हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर ग्रेट तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्निवालस के सुधार ठीक तो शुरू से अगर लास्ट वीडियो को देखिए आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या कार्नीवालस ने सुधार करे ठीक है तो आप अपनी स्क्रीन पर कार्नीस का पोर्ट्रेट देख सकते हैं ठीक है थीके? तो ये हैं दोस्तों कार्निवालस ठीक अब इनके क्या क्या रिफॉर्म्स थे क्या क्या इन्होंने सुधार करे वो हम इस वीडियो में देखेंगे अंग्रेज़ गवर्नर जनरलों में लॉर्ड कार्निवालस को तारीख़ में अहम जगह मिली है उसने हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था आमदनी और न्याय व्यवस्था में जो सुधार किए वे तारीफ़ के लायक और ज़रूरी थे कार्निवालस ने कई सुधार किए पहला दोस्तों हम देखेंगे ज़मीन संबंधी सुधार कार्निवालस कार्निवालस के पूरे सुधारों या कामों में उसका सबसे ज़रूरी काम स्थाई ज़मीन प्रबंध था इसका कारण ये था कि उसने जिस व्यवस्था को बंगाल में चलाया उसको दूसरी जगह में भी लागू किया इस स्थाई ज़मीन प्रबंध के संबंध में पाँच साल का ठेका लेता था वह ज़मीन की उर्वरा ताकत की बढ़ोतरी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था वह किसानों की बुरी हालत की परवाह नहीं करता था वह तो ठेके की मुद्दत के में किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करने में मशगूल रहता था लेकिन कंपनी को ठेके एक निश्चित दौलत रकम भी देता था इस तरह इस व्यवस्था से कुछ ही सालों में कृषि और किसानों की हालत बहुत बुरी हो गई थी यानी फसल हो या ना हो आपको कॉर्नीवालस को आपको अंग्रेज़ सरकार को कर्ज देना ही है, लगान देना ही देना है कृषि और कारोबार चौपट हो गया था और मालगुजारी लगातार घटती जा रही थी जो कंपनी के डायरेक्टरों के लिए परवाह करने लायक थी इसलिए कार्निवालस ने इस व्यवस्था को ख़त्म कर नया स्थायी ज़मीन प्रबंध या इसमतदारी बंदोबस्त लागू किया स्थाई प्रबंध की शर्तें कई थी स्थायी रूप से ज़मीन का स्वामी ज़मींदार को स्वीकार करते हुए मालगुजारी वसूल करने का स्थायी रूप से ज़मींदारों को दे दिया गया और मालगुजारी में कंपनी का हिस्सा निश्चित कर दिया गया दूसरा बदलाव ये था कि इस नई व्यवस्था में लगान कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता था ज़मींदारों पर गाँव में अशांति व्यवस्था की जिम्मेदारी डाली गई अगर ज़मींदार वक्त पर लगान नहीं देता था तो उससे पूरे ज़मीन छीनी जा सकती थी यानी यहाँ पर लगी लगान वसूलने की जो जिम्मेदारी थी वो ज़मींदारों को दे दी गई थी और जाहिर सी बात है वो अब ज़्यादातर जो दबाव था वो छोटे किसानों पर बनाते जिससे जो ज़मींदार थे वो किसानों का शोषण करने लगे थे क्योंकि तो उनके ऊपर भी जो अंग्रेज सरकार थी अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दबाव बनाती थी न्याय संबंधी सुधार अब देखिए दोस्तों ये तो आपके स्थान संबंधी सुधार ज़मीन संबंधी सुधार थे रिफॉर्म्स थे अब हम न्याय संबंधी सुधार के बारे में देखेंगे कि कार्निवालस ने न्याय संबंधी सुधार क्या करे लॉर्ड कार्निवालस जब गवर्नर जनरल बनकर हिंदुस्तान आया तो उसने यहाँ शासन और न्याय की हालत को बहुत बुरा पाया इसलिए उसने कई सुधार किए हालांकि उसके ये सुधार कमियों से मुक्त नहीं थे इनमें भी काफ़ी कमियाँ थीं फिर भी इनमें उसकी होशियारी का सबूत जरूर मिलता है उसके ये सुधार निम्नलिखित हैं ये देखिए दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना उसने दीवानी मुकदमों के फ़ैसले सुनने के लिए हर एक ज़िले में जिला जज के मुआयना में दीवानी न्यायालय शुरू किए यानी जितने भी सिविल केसेस होंगे वो आ, यही एक जज वहाँ पे रिक्रूट कराया जाता था, था वो सुनता था अब ज़िले में दीवानी का सबसे छोटा न्यायालय मुनसिफ़ का न्यायालय होता था जो पचास रुपये तक की रकम के मुकदमे सुनता था प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना अब प्रांत में भी न्यायालय स्थापित करे गए जिला न्यायालयों के ऊपर कलकत्ता कोलकाता हाका पटना और मुर्शिदाबाद में प्रांतीय न्यायालय शुरू किए गए इन न्यायालयों के ज़रिए एक हज़ार रुपये तक के मामलों में के बारे में दिया गया फैसला आखिरी होता था फौजदारी के मुकदमे भी इन्हें इन्हीं न्यायालयों से सुने जाते थे जितने भी जुडिशरी केसेस होते थे वो भी इसी न्यायालयों में आते थे इन न्यायालयों के जज अपने क्षेत्र में घूम घूम कर भी मुकदमों का फैसला करते थे इन प्रांतीय न्यायालयों में तीन अंग्रेज़ जज होते थे और इनके लिए हिंदू या मुस्लिम कानूनों के जानकार होते थे इन्हें चलित न्यायालय कहते थे कलेक्टरों के अधिकारों में कमी कार्निवालस के हिंदुस्तान आने से पूर्व कलेक्टर को दो काम करने पड़ते थे ज़िले का ज़मीन कर इकट्ठा करना और दीवानी न्यायालयों का मुआयना करना यानी यहाँ का जो कलेक्टर थे उस समय वो जज का भी काम करते थे और वहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थे लगान वसूलना और काफ़ी जिलों के जो काम थे वो भी कलेक्टर ही देखता था फिर उसके बाद उसकी ताकतों में कमी कर ली वो सिर्फ अब आप तो जो लगान वसूलने का काम था वो तो अब ज़मींदारों पे आ गया और जो जज का काम था वो भी इन लोग से ले लिया गया कार्निवालस ने इस व्यवस्था में बदलाव करके कलेक्टर के पास सिर्फ लगान इकट्ठा करने का काम ही रहने दिया यानी वो भी अब वो किससे भी इकट्ठा करेगा वो ज़मींदारों से इकट्ठा करेगा और ज़मींदार किसानों से करेंगे न्याय संबंधी अधिकार भी उससे छीन लिया गया न्याय काम करने के लिए हर एक ज़िले में एक अलग जज की नियुक्ति की गई हर एक ज़िले के लिए एक जज होता था जिसे ज़िला जज ज़ कहा जाता था न्याय व्यवस्था की भ्रष्टा को दूर करने की कोशिश अब उस समय जो क्या था न्याय व्यवस्था में बहुत सारी भ्रष्टाचार भी आ जाती थी तो उसको दूर करने के लिए अब क्या करा कार्निवालस ने कार्निवालस ने न्याय व्यवस्था में मौजूद भ्रष्टता को भी दूर करने की कोशिश की उसने ये देखा कि कम तनख्वाह के कारण अदालत के अधिकारी रिश्वत लेने की तरफ आकर्षित होते थे क्योंकि उनकी तनख्वाह क्या थी कम थी इसलिए उसने ऐसे पदों के लिए अच्छी तनख्वाह की व्यवस्था की जिससे काबिल आदमी न्याय व्यवस्था की तरफ आकर्षित हो सके तो उनका उन्होंने क्या करा वेतन बढ़ाया और बहुत वेतन बढ़ाने की कोशिश की सज़ा व्यवस्था की अब देख में क्या इन्होंने रिफॉर्म्स करें सज़ा व्यवस्था में सहूलियत उसने सख्त सजाओं में बदलाव कर दिया गया कर दिया और उसने ये नियम भी बनाया कि सरकारी कामों के लिए किसी भी अधिकारी के ख़िलाफ़ न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है पहले अगर जो सरकारी अधिकारी होते थे आप तो उनके ख़िलाफ़ आप कोई भी केस नहीं दर्ज कर सकते थे मगर कार्निवालस के इस रिफ़ॉर्म के ज़रिए आप अगर कोई भी है अगर आ, आ वो सरकारी अधिकारी भी है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं तो ये एक रिफॉर्म लाए कार्निवालस जुडिशरी सिस्टम में कार्निवालस कोर्ट अभी यहाँ पर इन्होंने कार्निवालस कोर्ट पारित किया बहुत सारे उसमें आ, कानून थे उसने मौजूदा सब कानूनों को इकट्ठा करके एक सिविल कोर्ट का निर्माण किया जिसे कार्निवालस कोर्ट कहा गया इस कोर्ट में न्याय पुलिस आमदनी वगैरह सभी मामलों से संबंधित कानून जमा किए गए वकीलों की व्यवस्था कार्निवालस ने कानून के जानने वालों वकीलों की भी प्रथा का प्रचलन किया ये न्यायालय के ईमानदार होकर कानूनों की व्याख्या करते थे उसने ऐसी व्यवस्था भी की जिससे वकील मुस्तबिल में सरकार के ज़रिए तय फीस ही ले सकें नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें अपने पेशे से बर्खास्त किया जा सकता था लेकिन कार्निवालस की न्याय व्यवस्था पूरी तरह कमी रहित नहीं की जा सकती नहीं कही जा सकती इसमें मेन कमी ये थी कि यह व्यवस्था बहुत पेचीदा और हिंदुस्तानी हालातों के हिसाब से सही नहीं थी तारीख़कार मिल ठीक ही कहते हैं इस सिद्धांत के मुताबिक सुगम न्याय सरकार के लिए सही लेकिन आवाम के लिए सही नहीं समझा गया कहने का मतलब ये था यह है कि इन न्यायालयों के पेचीदा नियम व कानूनों का हिंदुस्तानी आवाम को काम नहीं था और दूसरी तरफ अंग्रेज़ न्यायाधीशों को हिंदुस्तानी रीति रिवाजों का पता नहीं था इसका नतीजा ये था कि न्याय देने में काफ़ी वक्त लगने लगा पुलिस व्यवस्था में सुधार देखिए दोस्तों पुलिस व्यवस्था में सुधार कार्निवालस ने शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए के मकसद से पुलिस व्यवस्था में भी बहुत से उपयोगी बदलाव किए हर एक ज़िले को कई छोटी इकाइयों में बांटा गया और वहाँ पर थानेदार नियुक्त किए गए थानेदार या दरोगा को काफ़ी अधिकार प्राप्त थे जिनका गलत इस्तेमाल भी वे भोली भाली आवाम को लूटने और तंग करने में करते थे आजकल का जो पुलिस सिस्टम है वो उस समय के कार्नील्स की ही देन है दोस्तों कारोबारी संबंधी सुधार देखिए कार्नीवालस के कार्निवालस ने कारोबारी संबंधी भी कई सुधार किए जो इस तरह थे उसने हिंदुस्तानी जुलाहो और दूसरे कारीगरों के हितों की हिफाजत के लिए ये कानून बना दिया कि हिंदुस्तानी कारीगर उतना ही काम करने के लिए मजबूर होंगे जितने काम के उन्हें रुपए उन्हें मिले दिए जाएंगे उसने बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या ग्यारह से छः को कम कर दिया और उनको कलकत्ता काउंसिल के काबू में कर दिया गया कॉर्नीवालस से पूर्व कंपनी के वर्कर्स को माल खरीदने का ठेका दिया जाता था उसने इनको बंद करके ये अधिकार हिंदुस्तानी कारोबारियों व कारीगरों को दे दिया कंपनी के वर्कर अब एजेंटों का काम करते थे उसने ये भी हुक्म दिया कि कारोबारियों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ना की जाए कंपनी के बीच सुधार कॉर्नीवालस के वक्त कंपनी के अधिकार और वर्कर्स में रिश्वत और भ्रष्टाचार फैला था कंपनी के अधिकारी तोहफे नजराने लिया करते थे कार्निवालस ने महसूस किया कि कंपनी के वर्कर्स की तनख्वाह कम है उनकी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं है इसलिए वे ये काम करने के लिए मजबूर होते हैं इसलिए उसने कंपनी के वर्कर्स के तनख्वाह में बढ़ोतरी कर उस उनको ईमानदार बनाने में भी ज़रूरी काम किए उसने हिंदुस्तानियों को नाकाबिल समझते हुए उन्हें पाँच सौ पौंड सालाना तनख्वाह वाले पदों से वंचित कर दिया प्रशासनिक कामों से हिंदुस्तानियों को अलग रखने की पॉलिसी की भी शुरुआत लॉर्ड कार्निवल ने ही की थी क्योंकि वह ये मानता था कि हिंदुस्तान का हर आदमी भ्रष्ट है हकीकत में कार्निवालस ने जो चमत्कारिक सुधार किए वे सभी ब्रिटिश राष्ट्र को के हित को ध्यान में रखकर किए यानी ये जितने भी रिफॉर्म्स किए इससे या पहले उसका मोटिव ये रहता था कि किसी किसी तरह से भी ब्रिटिश सरकार को इससे नुकसान ना हो। हकीकत में कार्निवालस ने जो चमत्कारिक सुधार किए वे सभी ब्रिटिश राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर किए थे इसलिए ब्रिटिश शासन को तो फ़ायदा हुआ लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ उसने ही हिंदुस्तान में मरी पड़ी ब्रिटिश शासन को ज़िंदा ज़िंदगी दी जिसकी वजह से उसने लगभग सौ साल तक हिंदुस्तान में राज्य किया और अपने देश को शास शान शौकत से भर दिया उसके ज़रिए शुरू किए गए सुधार ही बहुत वक्त तक कंपनी के प्रशासन का आधार बने रहे तो दोस्तों ये थे यहाँ पर कॉर्नीवालस के सुधार सो so आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री पर तो इस वीडियो को सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टिल देन टेक केयर गुड बाय